प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन, मीन सी लेवल एडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड. आंसर इज बी, मुंबई. इसका डिटेल में पढ़ते हैं. बिफोर इंडिपेंडेंट इज कराची. इंडिपेंडेंट से पहले कराची आंसर था इसका. बट आफ्टर इंडिपेंडेंट इज मुंबई, इज MSL ऑफ इंडिया. सो आंसर इज बी. सेकेंड क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट सुइटेड फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स. आंसर इज लो बियरिंग कैपेसिटी. इन डिटेल, बिकॉज ब्लैक सॉइल हैज हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स. एंड थर्ड क्वेश्चन, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑप्टेंड फ्रॉम. ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑप्टेंड फ्रॉम. आंसर इज सी, कंसोलिडेशन टेस्ट. इन डिटेल, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑप्टेंड फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स द डेंसिटी ऑफ मैक्सिमम ड्राइनेस. देन फोर्थ, द इफेक्टिव साइज ऑफ पर्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय. आंसर इज D10. D10 का मीन्स, 10 का मीन्स होता है 10% ऑफ सैंपल फाइनल इन वेट ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज 0, द सॉइल इज अ. आंसर इज ए, क्ले. सॉरी जी, कहाँ थे अपन? हाँ, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0, द सॉइल इज. आंसर इज सी, सैंड. बिकॉज क्ले कंटेन हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड सैंड कंटेन 0 प्लास्टिसिटी इंडेक्स. सो इन क्वेश्चन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज 0, आंसर इज सैंड. सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रांसिस टर्बाइन इज. आंसर इज ए, ए रिएक्शन टर्बाइन. इन डिटेल, फ्रांसिस टर्बाइन इज ए इनवर्ड रिएक्शन टर्बाइन. सेवन क्वेश्चन, मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज वाइल. आंसर इज डी, वेटेड पैरामीटर इज लीस्ट. इसका हम कह सकते हैं कि द मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर गिव फ्लो डेप्थ विद 95% ऑफ इट्स डायमीटर. देन आंसर इज डी. 108 क्वेश्चन, 108, टू पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन. आंसर इज सी, बोथ हैव सेम हेड लॉस एंड डिस्चार्ज वैल्यू. क्वेश्चन 9, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ यूनिट ऑफ सच अ साइज दैट इज डिस्चार्ज. आंसर इज सी, यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड. यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड. टेन क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ चेजिस सी इज. आंसर इज डी, एल अपॉन टी की पावर 2 का होल 1/2. एंड 11 क्वेश्चन, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप इज. आंसर इज डी, लॉगरिथमिक. 12 क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज एज. आंसर इज ए, विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज. 13 क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट इन सीमेंट कॉन्क्रीट. Answer is A, should not be provided at the corner. Answer is, should not be provided at the corner. 14 question, the fineness modulus of an aggregate is roughly proportional to. Answer is D, shape of the agreement. Answer is D, shape of the agreement.
एंड 15 क्वेश्चन, द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन, आंसर इज डी, इट्स लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन. सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन क्या था इसका, 14 क्वेश्चन 114, द फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू, आई थिंक मैंने आंसर क्या बोला था इसका, डी बोला था ना, सॉरी डी नहीं था, इसका फर्स्ट आंसर था एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन एग्रीगेट. बिकॉज मैं समझा देता हूँ उसको इंग्लिश में, फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ एन एग्रीगेट इज एन इंडेक्स नंबर विच इज रफली प्रोपोर्शनल टू एवरेज, बिकॉज टू एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन द एग्रीगेट द कोर्सेज द एग्रीगेट द हायर द फाइनेस्ट मॉडल्स. सो आंसर इज ए, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन द एग्रीगेट. 115, द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन, आंसर इज डी, इट्स लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन. 16 आंसर, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, आंसर इज बी, ली चैटलियर एपरेटस. एंड इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय ली चैटलियर एपरेटस. ऑब्वियसली साउंडनेस मीन चेंज ऑफ वॉल्यूम और एक्सपेंशन इन वॉल्यूम. जी क्वेश्चन 17, इन लाइम कॉन्क्रीट लाइम इज यूज्ड एज, आंसर इज डी, कोर्स एग्रीगेट. 18 क्वेश्चन, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ अ रेनफोर्स कॉन्क्रीट विच इज एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन इज, आंसर इज ए 350. 19 क्वेश्चन, श्रिंक इज इन कॉन्क्रीट इंक्रीज्ड इट्स, आंसर इज सी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. 20 द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मेनली डिपेंड्स ऑन, आंसर इज बी वाटर सीमेंट रेशो. इसका हम बता देते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, सो दैट आंसर इज सी. 21, ग्रीन कॉन्क्रीट मे बी मेड बाय एडिंग, ग्रीन कॉन्क्रीट मे बी मेड बाय एडिंग, आंसर इज सी आयरन ऑक्साइड. याद रखना आयरन ऑक्साइड हमेशा गिव्स देता है सिर्फ कलर्स. देन 22, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू, आंसर इज ए कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम. इसका हम बता दें कि जिप्सम रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट, सो आंसर इज ए. एंड 23, द इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई एश एंड सीमेंट कॉन्क्रीट रिकमेंड्स वाटर कंटेंट, आंसर इज डी टू रिड्यूस बाय 3% टू 5%. इसको बारे में बता देते हैं हम, द फ्लाई एश इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट विद अबाउट 20-30% एंड आल्सो रिड्यूस द वाटर डिमांड्स ऑफ 10-15% with low heat of hydration. The thickness of the flange of a T-beam of a ribbed slab is assumed as, answer is B, thickness of the concrete topping. 25 question, the coefficient of wind resistance of a circular surface, iska answer I think B hai but confusing hai, so please aap dekh lijiye. 26, total number of elastic constant of an isotropic material, total number of elastic constant of an isotropic material is, answer is A 2, two elastic constant E and mu, याद रखना E एंड म्यू. एंड 27, द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज, आंसर इज ए लोड पर कॉइल ऑफ द स्प्रिंग.
इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, के इज इक्वल टू पी अपॉन डी, डी को इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं एंड दैट इज दिस आंसर। ओके एंड क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज, आंसर इज डी, कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेंड लोडिंग। द प्रपोज्ड प्रपोज्ड सॉरी द प्रॉब्ड कैंटिलीवर इज इनडिटर्मिनेट एक्सटर्नली ऑफ, आंसर इज ए सेकेंड डिग्री, आंसर इज ए सेकेंड डिग्री। जी मैं सॉरी मैंने क्या बताया था, सेकेंड डिग्री ना, सेकेंड डिग्री अपन फाइन कर लेते हैं पता चल जाएगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम वन सपोर्टेड, दिस इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बनाएंगे अपन ऐसे, यहाँ से सपोर्टिंग ये रोलर बना दिया, देन फोर मीन्स एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस थ्री इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्वल टू वन, आंसर इज वन। हमको बता देते हैं फोर एक्सटर्नल रिएक्शन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड मूवमेंट्स एंड दिस इज वन, देन फोर एक्सटर्नल रिएक्शन एंड थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन, आंसर इज फर्स्ट। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल, आंसर इज सी माइल्ड स्टील। ए बीम इज सपोर्टेड ओवर थ्री रोलर लेइंग इन द सेम प्लेन, द बीम इज स्टेबल फॉर, आंसर इज सी लोडिंग विद नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द बीम। स्कम ओके ओके ठीक है डन। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अ सीमेंट एंड वेदर इज कॉल्ड, आंसर इज बी साउंडनेस। इसके बारे में बता देते हैं साउंडनेस के बारे में, साउंडनेस ऑफ अ सीमेंट इज डिटरमाइंड आइदर बाय ऑटोक्लेव टेस्ट, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट लॉस इन अ मास ऑफ सी, तो ऑटोक्लेव से ही मेजर कर सकते हैं एंड ली चैटलियर से भी मेजर कर सकते हैं, देन द आंसर इज बी। 33 अंडर विच कंडीशन हाइएस्ट वाटर सीमेंट रेशो इज यूज, आंसर इज बी हैवी सेक्शन सच अ पियर्स फाउंडेशन ATC प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फ्रॉस्ट, स्नो सीम, स्नो सेम इज, आंसर इज ए कलर्ड सीमेंट, स्नो सेम पेंट्स लीडर इन एक्सटीरियर वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट्स है, ये एक सीमेंट है जो कि वाटर प्रूफ सीमेंट है, देन आंसर इज सॉरी क्वेश्चन 135 एन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द कॉन्क्रीट इज स्ट्रेस टू इट्स अलाउएबल लिमिट अर्लियर देन स्टील द सेक्शन इज सेट टू बी, आंसर इज ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन। इसके बारे में बता देते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, actual neutral axis greater than critical neutral axis, so answer is B. And 1 cubic meter of mild steel weigh about 1 cubic meter of mild steel weigh about, आप बताइए guess कीजिए, answer is हाँ answer is C 7850 kg, unit weighted of steel I think answer is 7850 kg, 137 का हम बता देते हैं। The total length of a crank bar through a distance at 45 degree in case of a beam of effective length L and depth D is, answer is B L plus 2 into 0.42 D, L is effective length equal to clear distance is equal and 38 for building project estimate with method is generally used in PWD, answer is B
सेंटर लाइन मेथड, आंसर इज बी सेंटर लाइन मेथड। एंड एस्टिमेट इज, आंसर इज सी प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन। द डेप्थ ऑफ 40 क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम, आंसर इज ए रैंकन फार्मूला। इसके बारे में बताते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज कैलकुलेटेड, याद रखना मिस्टर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रैंकन फार्मूला, आंसर इज ए। 41 क्वेश्चन, व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ सर्विंग आर म्यूचुअली इंडिविजिबल द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग इज एडॉप्टेड, आंसर इज बी इनडायरेक्ट रेंजिंग, आंसर इज बी इनडायरेक्ट रेंजिंग। द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग्स इन अ सर्विंग चेन, आंसर इज ए 20 सेंटीमीटर, इट इज स्टैंडर्ड डिस्टेंस, इसकी स्टैंडर्ड डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज्ड ट्रेवल ट्रेप्स इज इक्वल टू, आंसर इज ए 2n माइनस 40 ब्रैकेट में 90 डिग्री। एन इज नंबर ऑफ एंगल। 44, सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क इज नोन एज, आंसर इज डी चेक लाइन। हम चेक लाइन के बारे में बता देते हैं आपको, चेक लाइन इट इज अ प्रूफ लाइन, इट इज अ प्रूफ लाइन इज अ लाइन ज्वाइनिंग अपेक्स ऑफ ए ट्राइंगुलर टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इट मेजर द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क। एंड बेस, बेस लाइन के बारे में बताते हैं, मेन लॉन्गेस्ट लाइन विच पॉजेस थ्रू द सेंटर ऑफ फील्ड, सो द डिटेल ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू लाइन। 45 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन अ गंटर चेन, गंटर चेन में टू अ टोटल नंबर ऑफ द लिंक इन अ गंटर चेन 100, आंसर इज 100, द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन गंटर चेन इज 100, इट इज अ स्टैंडर्ड चेन। 46, द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑब्जर्व्ड टू बी 12 degree 24, द बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी शुड बी, आंसर इज 46 का डी आंसर। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसका कैसा होगा, बैक बियरिंग, बैक बियरिंग इक्वल टू 12 degree 24 + 180, आंसर इज 19 degree 24, देन आंसर इज डी। द डायरेक्शन ऑफ आ लाइन रिलेटिव टू अ गिवन इज नोन एज, आंसर इज सी बियरिंग ऑफ लाइन। When 48, when compared with chain serving plane table is, answer is B less accurate, when compared with chain serving plane table is, answer is less accurate। Number of satellites involved in the orbit for the GPS survey technique, answer is, guess karo, answer is quiz, kitna hona chahiye, 24, answer is B 24, number of satellite involved in the orbit for the GPS survey technique is 24। And the question 50, slump test for concrete is carried out to determine, answer is C workability। Slump test is used to find the fluidity of concrete, answer is C। 51 question, the leaching action in concrete is the example of,
डी केमिकल रिएक्शन पॉइजन 52 पॉइजन रेशियो ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इज अबाउट पॉइजन रेशियो ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इज अबाउट आंसर इज ए 0.28 53 द स्पान टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 फॉर द रिइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द आंसर इज सी डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज बिलो ए लिमिटिंग वैल्यू दिस आंसर इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको 54 का सी 54 का सी आंसर 55 द विड्थ ऑफ द लेसिंग बार इन mm इज कैप्ड आंसर इज बी थ्राइज द नॉमिनल रिवेट डायमीटर थ्राइज द नॉमिनल नॉमिनल नहीं नॉमिनल है ये नॉमिनल रिवेट डायमीटर उसका बता देते हैं एज पर IS 800 बी इक्वल टू 3D बी इक्वल टू 3D दैट्स आंसर इज बी द बियरिंग स्ट्रेस एट अ बैंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन इज आंसर इज इसका आंसर इसमें रॉन्ग है दिस इज नॉट अ गिवन आंसर एनी इन दिस ऑप्शन देन रॉन्ग आंसर इज रॉन्ग एंड 57 आंसर ऑल्सो रॉन्ग सो डज नॉट गिवन 58 आंसर द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन placed in plain cement concrete are called answer is B concrete joints 59 partially safety factor on steel stresses is partially safety factor on steel stresses is answer is B 1.15 answer is B 1.15 60 when a load is exerted or transferred from one surface to another in contact the stress is known as answer is B shear stress when RCC footing is not to extend in the plotting of the neighboring house the type of the footing preferred is answer is C strap footing question Harvard model are based on the following law answer is A fraud law the for stability of floating body the matter center should be answer is A above the center of gravity 64 a vessel containing water of depth is depth H is accelerated upward with an acceleration of g by 2 the pressure at the bottom of the vessel is answer is D 3 by 2 alpha h gamma h sorry the most desirable alignment of an irrigation canal is along answer is B the ridge line answer is B the ridge line रिजलाइन बताता हूँ तो थोड़ा रिजलाइन क्या है रिजलाइन इज कट टू कलेक्ट वाटर इन दैट एरिया यू नो दैट रिजलाइन आंसर इज रिजलाइन पढ़ा दिया था 66 क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ आंसर इज डी Aquaclude aggregate impact value indicates which of the following property of aggregate answer is B toughness the shape of the stop sign according to IRC 67 2001 is answer is D octagonal
pollution potential of domestic sewage generated in a town and its industrial sewage can be compared with reference to. Answer is B. Population equivalent. Population equivalent का formula बता देता हूँ मैं. Population equivalent is equal to BOD industrial upon BOD domestic sewage. Oblique में person, oblique में day. यानी domestic sewage per day, per person per day. 70 question. The valve which protect the water meter from the damages of water hammer. Answer is C. Reflex valve. 71 question. In Brindle hardness test, the type of the indenter used is. Answer is A. Hard steel valve. The intensity of direct longitudinal stress in the cross section at any point distance r from the neutral axis is proportional to. Answer is sorry इसमें answer ही गलत है. answer मैं बताता हूँ इसका. 1 by r है नहीं है इसका. answer है अपना जी sigma n y is equal to m upon i. then find करने के बाद अपना find होगा m upon i into y. that's answer. this is answer. 73. a column is known as medium size of its slenderness ratio is between. answer is c. 32 and 120. 74. An arc may be subjected to. Answer is B. Bending moment and shear force. In order to determine the allowable stress in axial compression, Indian Standard Institution has adopted. Answer is D. Perry Robert Stone formula. The sec. अभी time ज़्यादा हो रहा है. एक पेपर में काफ़ी टाइम हो रहा है. सो जल्दी जल्दी कर रहे हैं प्लीज़. बाद में सॉरी कंटिन्यू. 76. द सेग टाई इन अ स्ट्रस इन अ ट्रस इज मेनली यूज टू रिड्यूस्ड. आंसर इज सी. वेट ऑफ द ट्रस. मैं बता देता हूँ सेग टाई क्या होता है. सेग टाई मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में बता देता हूँ. टाइम तो ठीक है चलो आपका बेनिफिट होना चाहिए आपका बस. दैट्स इट. दैट्स My aim. The sag tie is a vertical member रहता है. आपके बारे में बताते हैं. सॉरी sag tie देखो दिस दैट्स इंक्लाइंड में रखेंगे इंक्लाइंड एंड दैट्स दिस. सॉरी यहाँ पुट नहीं होगा. N sag tie. This is sag tie. Then sag tie बता दूँ. sag tie is a vertical member. This is a vertical member joining the apex of truss to midpoint of the bottom cord. Then this is answer. Answer is C. Weight of the truss. And 77. A simply supported beam carrying uniformly distributed load will be safe in deflection if the ratio of its span and depth is. Answer is C. Less than 19. The actual thickness of a butt weld when the compared with the thickness of the plate is. Answer is D. Equal. मैं आपको डिटेल पढ़ा सकता हूँ उसमें अभी बट टाइम नहीं है. 79. The flat weld whose axis is parallel to the direction of the applied load is known as. Answer is A. Side flat weld. मैं आपको बताता हूँ side flat weld के बारे में. side flat weld. That's this diagram is ऐसे बनेगा diagram. ये plate है एक. आपको P load. This weld. Then answer is
ए सैड फ्लिट बेल टैकिंग रिवेट्स इन कंप्रेशन प्लेट्स एक्सपोज टू वेदर हैव अ पिच नॉट एक्सीडिंग 200 mm और आंसर इज बी 16 times द थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट 81 का आंसर है सी फ्लेट फिलर प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद कॉलम 82 का आंसर है वेब क्रिपलिंग इन अ बीम जनरली अगर एट द पॉइंट वेयर आंसर इज ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स एक्ट मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट यूज्ड इन प्रेस्ड स्टील टैंक इज आंसर इज इसका आंसर क्वेश्चन रॉन्ग है सॉरी एंड 84 ए कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज आंसर इज डी द लेंथ ऑफ द कॉलम इसके बारे में बताता हूँ कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑब्वियसली नथिंग एल्स 85 द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स आंसर इज ब्रिटलनेस द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज आंसर इज डी ड्रेसिंग द बल्किंग ऑफ सैंड अकर डी टू द बल्किंग ऑफ सैंड अकर डी टू मोशन इन वॉइड आंसर इज बी 88 द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन आंसर इज ए 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बिल्डिंग ब्रिक का 3.5 है बट नॉर्मली फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम स्ट्रेंथ है 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सेकेंड 7.5 एंड नॉर्मली 3.5 दैट्स दिस इज आंसर द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज स्टोन मेसनरी इज आंसर इज ए नॉर्मल द फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग आंसर इज ए स्लेट द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक इन अ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी आंसर इज बी 500 द 92 क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू पेनिट्रेशन इज आंसर इज बी हार्डनेस द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मेसनरी ब्रिक इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मेसनरी ब्रिक इज White 94 question. White cement should have least percentage of. White cement should have least percentage of. D. Magnesia oxide. Least magnesia oxide, and. सबसे ज़्यादा cement में lime. लाइम रहता है 60-70% या 50-60% कह सकते हैं टर्पेंटाइल ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज अ डी थिनर कनेक्टिंग पाइप इन एमएम फॉर सेफ्टी टैंक शुड नॉट बी लेस देन आंसर इज बी 100 98 question estimate for electrical wiring is preferred on the basis of answer is D number of point 99 ka answer hai C sales tax and last ka the value of the demolished material is known as answer is scrap value thank you for watching and please aapko video acha laga please subscribe my channel Thanks for watching.